श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यं अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। प्रश्न क्या था? दो उपासना माने सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। सगुण उपासका उपासक और निर्गुण उपासक, इन दोनों में आपको पूर्ण रूप से, इन दोनों में योगवित्तम कौन है? ठीक है, तो भगवान ने क्या जवाब दिया? अक्षर उपासकों के बारे में बाद में बताएंगे, पहले ये तो सुन लो। किसके बारे में? सगुण उपासक के बारे में। तो मई आवेश मनः ए माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः। आपने क्या पूछा? योगवित्तमा कौन है? ये है योगवित्तमा, माने जो परमेश्वर विश्वरूपे परमेश्वरे, माने विश्वरूप परमेश्वर में मन को समाधाया जो भक्त लोग सर्व माम सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम विमुक्त रागादि क्लेश अक्लेश तिमिर दृष्टिम नित्य युक्ता अतीता अनंतर अध्यायांतोक्ता श्लोकार्थ न्यायेन सतत युक्ता संतः उपासते श्रद्धया परया प्रकृष्ठया उपेता ते मे मम मता अभिप्रेता युक्ततमा इति। इसका भाष्यार्थ हमने कल देखा, वे लोग युक्ततम है, हमने जिसका मन मुझे ईश्वर में समर्पण किया और करके परया श्रद्धा श्रद्धा प्रकृष्टया श्रद्धा उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर जो लोग मेरा नित्य लगातार भजन करते हैं वे ही वे उत्तम योगवित्तमाः युक्ततमा मताः। ठीक है, किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति, बाकी जो लोग हैं निर्गुण उपासक अक्षरोपासक, तो वे लोग युक्ततम नहीं होते क्या? न, किंतु तान प्रति यद वक्तव्यम तत् सुनो। भाष्य में कहते हैं, चलो इन भगवान कृष्ण कहते हैं उनके बारे में जो कहना है अभी मैं कह रहा हूँ सुनो। वे लोग कौन है? मैंने कहा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीसरा चौथा और पांचवा में पूरे पांच पड़ाव है ना,
ठीक है, पांच स्तर। भगवान सबसे ऊपर स्तर, पांचवा स्तर पहला समझा दिया, फिर चौथा में उतरते हैं, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला पड़ाव, ऊपर से नीचे, है ना, उत्कृष्ट श्रेणी से लेकर के अधम तक, नीचे तक आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सो ऊपर वाला जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, माने तीसरा चौथा और पांचवा, ये तीन श्लोकों में अक्षर उपासक के बारे में, माने ज्ञानी भक्त जो है उनके बारे में बताया गया। ज्ञानी भक्त श्रेणी, सबसे बड़ी श्रेणी क्या, ज्ञानी। अच्छा, उनके अक्षर उपासक जो वे कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तत्वात् अशब्द गोचरम इति न निर्देष्टुम शक्यते अतः अनिर्देश्यम अव्यक्तम न केनापि प्रमाणेन विद्यते इति अव्यक्तम पर्युपासते परिसमंतात् उपासते। जो लोग अक्षर तत्व जो है जिसका अनिर्देश्य है, माने अव्यक्तत्वात् अव्यक्त वस्तु अशब्द गोचरम इति न निर्देष्टुम शक्यते, इति माने ये ऐसा है करके निर्देष्टुम न शक्यते अतः अनिर्देश्यम, तो इसका निर्देश शब्दों के द्वारा किया नहीं जा सकता। अव्यक्त तत्व जो है वो है परिपसमंतात्, लगातार जो उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ क्या है, उपासनम नाम यथाशास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारवत समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घकालम यद आसनम तद उपासनम आचक्षते। इसका अर्थ हमने कल देखा है। उपासना का मतलब क्या है कि शास्त्र सम्मत कोई एक आलंबन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने सोच लिया नहीं, तो शास्त्र सम्मत या शास्त्र दत्त जो आलंबन है, उपास्यस्य जो भी है उपास्य मुध्येय वस्तु, उसका अर्थस्य विषयीकरणेन उपास्य मूर्ति का अर्थ को बुद्धि में लगाकर लाकर सामने, इस भाव से सामीप्यम उपगम्य वस्तु के सामने पहुंचकर बैठकर तैलधारवत समान प्रत्यय प्रवाहेण, जैसे तैलधार होता है इसी तरह समान प्रत्यय माने एक ही तरह की वृत्तियों की धारा, एक ही तरह के वृत्तियों की धारा का प्रवाह को करते कहते हैं तैलधारवत समान प्रत्यय प्रवाहम, माने दीर्घकालम लंबा समय तक बैठने योग्य बन गया और साधना कर रहे हैं उस जब उसको कहते हैं आसनम, माने उपासना, सर आस उपासनम। उपासन का मतलब क्या है, मानसम कर्म। मानसम कर्म माने मन में करने का है जो उपासन। उपासना माने बाह्य नहीं है, अंतर, जो पूजा पाठ भजन कीर्तन संकीर्तन जो करते हैं उसको उपासना ट्रेडिशनली स्पीकिंग कैन नॉट बी सेड, ठीक है। इसके बाद अक्षरस्य विशेषणम आह, यहां से हम शुरू करना है ना। अभी उस अक्षर तत्व का विशेषण क्या है, तो पहले मैंने बताया कल कि पहला क्या है, उस तत्व अव्यक्त है। अव्यक्त माने इंद्रिय अगोचरम, यही हो गया। अचिंत्य माने मनो अगोचरम, माने मन में भी उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। और देखिए, और तीसरा क्या है, अनिर्देशियम, शब्द प्रमाण से भी शब्द से भी परे है। अब आप सोचेंगे कि जो देख नहीं सकते या इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता और जिसके बारे में मन में भी सोच नहीं सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते, और अनिर्देश्यम शब्दों से भी परे है, शब्द से भी इससे साथ, क्योंकि अप्राप्य मनसा सहा, तो मन को छोड़ा ब्रह्म तत्व को जानने के लिए मन भी आ गया, शब्द भी वापस आ गया, सब कुछ वापस लौट के आया और कहा कि हम वहां तक पहुंच नहीं सका, ये तैतृय उपनिषद में आते हैं। तो अभी ऐसा तत्व जो इंद्रिय अगोचर है, मन में भी पकड़ने में नहीं आता, शब्दों से भी परे है, निर्दिष्टुम ऐसा है, ये निर्वचन देना भी असंभव हो रहा है, ऐसा तत्व वास्तव में कुछ है क्या। भगवान कहते हैं नॉट ओनली है मगर वो सर्वत्रगम नहीं है,
ऐसा तत्व आप शंका कर रहे कि होगा कि नहीं होगा, भगवान कहते हैं है और एक जगह पे नहीं है, सर्वत्र है। ये बड़ी बात है। हम शंका करते हैं ऐसा तत्व है या नहीं, भगवान कहते हैं कि है मगर कहीं नहीं है, हर सर्वत्र है। तो इसका कहते हैं सर्वत्रगम व्योमवद व्यापी। व्योमवद व्यापी माने जैसा आकाश है, आकाश ही सर्वव्याप्त है, माने आकाशवत व्यापी माने जैसा आकाश सर्वव्यापी जैसा हमको लग रहा है, क्योंकि मन देखिए आकाश को आकाश मनोकल्पितम इसलिए तो उपनिषद में आता है। आकाश तो पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु से प्रकट हुए, अब वायु आकाश में विलीन हो गया। और आकाश कहाँ विलीन होगा, आकाश किस में स्थित है, उपनिषद में आता है आकाश मन में स्थित है। ये मनोकल्पना आकाश अपनी कल्पना है। तो आकाशवद माने आकाश ही ब्रह्म नहीं है, माने आकाशवद सर्वव्यापी, जैसा आकाश सर्वव्यापी है इसी तरह ब्रह्म दो अगोचर ब्रह्म, इंद्रियो अगोचर ब्रह्म, अचिंत्यम जिसके बारे में सोच नहीं सकते, अनिर्देशम जिसका निर्देश करना मुश्किल है शब्दों के द्वारा, निर्देष्टुम न शक्यते, ऐसा तत्व सर्वत्रगम व्योमवद व्यापी। अचिंत्यम हमने देखा है इसका अर्थ, अचिंत्यम च माने अव्यक्तत्वाद अचिंत्यम। देखिए यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं यदि ही कर्ण गोचरम तद मनसा अपि चिंत्यम तद विपरीतत्वात् अचिंत्यम अक्षरम। देखिए आप जिस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं माने कुछ मन में कल्पना करके सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, किस चीज के बारे में, जो इंद्रिय गोचर वस्तु है, जो जो वस्तु आपको अनुभव में आया उन्हीं वस्तुओं के बारे में आप सोच सकते हैं मन में। जिस वस्तु को कभी नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं स्पर्श किया, नहीं सूझा, नहीं टेस्ट किया, नहीं नाक के द्वारा घ्राण ग्रहण नहीं किया, घ्राण नहीं किया, ऐसा वस्तु को मन में उस वस्तु के बारे में कल्पना करना, सोचना, चिंतन करना कभी संभव नहीं है। तो जब वह वस्तु ब्रह्म वस्तु अक्षर वस्तु अगोचरम माने अव्यक्तम, अव्यक्त माने इंद्रिय अगोचरम, अव्यक्त माने व्यक्त नहीं है, इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों से भी अनुभव नहीं कर सकता, ऐसा वस्तु जो है, इस तरह के जो ब्रह्म तत्व मन में भी मैं भी इसके बारे में चिंतन करना और कल्पना करना नहीं हो सकता। इसीलिए अचिंत्यम के साथ साथ भगवान में ये भगवान क्या कहते हैं, कर्ण अगोचरम देयरफॉर अचिंत्यम तद विपरीतत्वात् अचिंत्यम अक्षरम। अव्यक्त है इसीलिए साथ साथ वो अचिंत्य है। समझ में आया कि नहीं? कल जो उसने एक सुना है एक प्रवचन, तो वो व्यक्ति आज मुझसे कहा या कही जो भी है कि कल जो आपने जो बताया सब बाउंसर हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसे सावधानी से सुनिए आप। आप जरा सोचते हैं कि 12वां अध्याय बड़ा आसान है, रट लिया सब लोग। 12वां अध्याय माने भक्ति ही भक्ति, भक्ति का मतलब आंसू बहाते रहना, वही भक्ति है। यहां पे शंकराचार्य जी आंसू की बात छोड़ दे, पानी पिला देते हैं समझा भाष्य में। भक्ति माने आसान है, भक्ति का मतलब भी हम नहीं जानते हैं। सावधान से सुनिए, जो वस्तु अव्यक्त है वो ऑटोमेटिकली अचिंत्य है। समझ में आ गए कि नहीं? गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे कि मैंने एक जानवर को देखा अफ्रीका में,
उसका नाम है गुड़गुड़ु। अब मैं आपको अनुभव कराना चाहता हूं, मैं देखकर आया हूं, तस्वीर की सिर कुछ मेरे पास नहीं है, गूगल में नहीं मिलता। एक ऐसा अद्भुत जानवर है, गुर्दे का उदाहरण, एक गुड़गुड़ु, मैंने क्या गुड़गुड़ु को लाना, मैं भूल गया क्या नाम दिया उसका, तो गुड़गुड़ु जो भी है वो जानवर को मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूं। मैंने देखा आपने देखा, तो फिर आपको जो नहीं मालूम है, उस नहीं मालूम, नहीं अभी ज्ञान में नहीं आया, जो उस वस्तु को आपके ज्ञान में लाने के लिए आपका अनुभव जो भी है, आपके अनुभव से सिद्ध, जो जो अनुभव से सिद्ध आपका ज्ञान हुआ, उस अनुभवों की भाषा में ही मैं आपको उस अज्ञान वस्तु को, जानवर को मैंने देखा, उसको मैं समझाने के लिए प्रयास करता हूं, है कि नहीं। अब देखो तुलना करने के लिए भी इस प्रपंच में या इस दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं रही समझो, फिर माने उस वस्तु को, उस जानवर को मैंने देखा, आपको कभी भी शब्दों से भी मैं आपको समझाना नहीं होगा। मगर इस जानवर को मैंने देखा, इसका रूप है, रंग है, तो इसलिए मैं तुलना करके कल्पना में आपके कल्पना में मैं लाने के लिए प्रयास कर सकता हूं। जो कहता हूं कि उस जिसका सिर जो है घोड़े जैसा है, पेट है भैंस का पेट जैसा है, तो चार दो पैर है वो शेर के पैर जैसे हैं, उसका सिंग भी है हिरण जैसे, हिरण के जो सिंग होते हैं ऐसे दो सिंग है, पूछ जो है जो गाय का जैसे पूछ है। बस आपके सामने आकृति आ गई कि नहीं, माने आपको जिस भाषा, आपको जो अनुभव है, आपके जीवन में जो अनुभव सिद्ध, जो अनुभव है अनुभव से जो आप जान लिया, उसी भाषा में मैं आपको जो जानवर आपने नहीं देखा उसको मैंने समझा दिया, है कि नहीं। अब बिल्कुल अव्यक्त है तो आप चिंतन में लाना भी मुश्किल है, माने अव्यक्त अव्यक्त कभी इंद्रिय से, इंद्रिय अगोचरम हमेशा के लिए, इसीलिए भगवान कहते हैं यदि कर्ण अगोचरम, कर्ण गोचरम सॉरी यद कर्ण गोचरम, जो अंकों से देख सकते हैं माने इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, तद मनसा आप चिंत्यम, उस वस्तु को मन में भी इस जिसके बारे में सोच सकते हैं, मगर तद विपरीतत्वात, ये तो अव्यक्त वस्तु के कारण अचिंत्यम, तो ब्रह्म तत्व के बारे में चिंतन करना भी असंभव। अब देखिए न सोच सकते हैं, चिंतन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वस्तु के बारे में आप ध्यान लगाने के लगाओ कह रहे हैं, इस ब्रह्म तत्व जो जान नहीं सकते, सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, इंद्रियों से परे है, मन बुद्धि से भी परे है, शब्दों से परे है, निर्वचन से भी परे है, वो नहीं सकता, ऐसा जो अद्भुत वस्तु है, सर्वव्यापी है कहते हैं, पर इस वस्तु का ध्यान हम कैसे करें। अब देखिए ज्ञान के बिना मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भागवत पढ़ो, पुराण पढ़ो, आप जो कुछ भी करो, आत्मज्ञान या मोक्ष की सिद्धि ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। यह वेद में वेद निर्धारणम, वेद का निर्धारण है ये, तो बाद में आगे देखेंगे। तो अभी देखिए कूटस्थम, अक्षरम कूटस्थम, वो क्या है उसको कूटस्थम। अब देखिए कूटस्थम माने आप जानते हैं ना कूटस्थम, बट इसका अर्थ देखिए यहां पे भाष्य में भगवान कहते हैं दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु कूटम। कूटम माने कूट माने खोट, खोटे,
देखिए, जो बाहर से दिखता है, अंदर जाओ सब धोखा ही धोखा है, उसको कहते हैं खोट कूट। बाहर नजर देखे, नजर से पता लगता है कि गुणवान, अंदर आप देखा कुछ भी नहीं है। ये कूट क्या है? ये सारा संसार ही कूट है, माने डिसेप्टिव, धोखा। जिसमें सच्चाई नहीं है, कूट माने क्या है? देखिए भगवान कहते हैं दृश्यमान गुणम, ऊपर से गुण दिखता है, अंतर दोषम, अंदर दोष है। वो है कूट, कूटनीति। बाहर एक दिखावटी, अंदर असली जो स्वरूप जो है वो अलग है। कभी कभी आदमी के बारे में भी हम ऐसा कह सकते हैं, बाहर से कूट है, अंदर धोखा देने वाला है, बाहर विनम्र है, अति विनयम दूरत लक्षणम। कूटनीति बोलते, कूटनीति युद्ध में भी कूटनीति, दोस्ती बनाओ और वास्तव में अंदर का जो लक्ष्य है अलग है, अंदर जो दोष से भरे है व्यक्ति, दोषों से, बाहर गुणवान जैसा व्यवहार कर रहा है, वो है। तो कूट क्या है? संसार ही कूट है, क्योंकि ये संसार जो जैसा दिख रहा है वैसा तो नहीं है। अंदर देखोगे इसका निज स्वरूप आपको पता लग जाएगा। जैसे कि शरीर, देखिए शरीर का रूप भी कूट है, बाहर सुंदर दिखता है, चमड़ा उतार दो, जैसे आप आलू की जो चमड़ा निकालते हैं चाकू से, चलो अपने आप चमड़ा, दूसरों का नहीं निकालना, आप अपने आप निकाल दो चमड़ा, अब देखो तब कोई सुंदरता नहीं है, भयंकर दिखता है। और दोषी दोष है अंदर, मल मूत्र पुरीष, ये तो कूट है। तो दृश्यमान गुणम अंतर दोषम वस्तु कूटम, इसलिए कूट रूपम, कूट साक्ष्यम इत्यादौ कूट शब्द प्रसिद्धो लोके, इस लोक में भी कूट शब्द प्रसिद्ध है। कूट साक्षी माने झूठा, बाहर से झूठा, मैं अंदर से झूठा, बाहर से सच जैसा लगता है, कूट साक्षी माने झूठा। कूट रूपम, कूट साक्ष्यम इत्यादो कूट शब्द प्रसिद्धो लोके, व्यवहार में ऐसा शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। तथा च अविद्यादि अनेक संसार बीजम अंतर्दोषवद माया व्याकृत व्याकृतादि शब्दवाच्यम मायांतु प्रकृतम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम मम माया दुरत्यया इत्यादौ प्रसिद्धम यत तत्कूटम। इसी तरह दुनिया को देखो, अब देखिए अविद्यादि अनेक संसार बीजम अंतर्दोषवद माया व्याकृतादि शब्दवाच्यम। देखिए इस माया शब्द देखो, ये दुनिया देखिए, तो अंदर देखा इस दुनिया के अंदर माने इस प्रपंच के अंदर सब कुछ अविद्या से भरी है, अनेक प्रकार के संसार बीजम, अनेक संसार बीज अंतर्दोष है, अविद्या ही मूल केंद्र है, अविद्या ही इसका मूल है, जड़ का मूल अविद्या। तो माया व्याकृति शब्दवाच्यम, अव्याकृत माया अविद्या आदि अंतर दोष से भरे है। क्या है ये सब कुछ? सो ये माया जो है
माया के अंदर माने अविद्या अंतर बीजम, तो कूट माने क्या है, अव्याकृत या न तो प्रकृति, अव्याकृत प्रकृति या न तो माया, वही कूट है, वो दोष है अंदर। बाहर माया का जो कार्य है सुंदर जैसा दिख रहा है, वास्तव में अंदर गया अनेक प्रकार के दोषों से भरे हैं ये सब। सो माया अव्याकृत प्रकृति जो भी है उसको कहते हैं कूट। इसलिए भगवान कहते हैं मायांत प्रकृति विद्यात, माया क्या है, माया को प्रकृति मान लो, और मायिनम मायापति कौन है, मायिनम तु महेश्वरम, जो महेश्वर है वो माया से ऊपर बैठे हैं, वो मायावी है, वो उसके हाथ में ये माया है। तो माया क्या है, झूठ है, और माया के ऊपर स्थित स्थिर बैठा है कौन है, ईश्वर। तो ईश्वर माया के ऊपर है, माया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम, और मम माया दुरत्यया, और भगवान कहते ये मेरी माया है, मेरी माया माने माया उनके वश में है, तभी कह सकते ये मेरी माया। वास्तव में ये मेरा वस्तु है, माने वो वस्तु आपके हाथ में है, माने जैसा आप चाहते हैं वैसा उसका उपयोग कर सकते हैं, माने आपके अंडर में है, माने जैसा आप चाहते हैं उसको उपयोग कर सकते हैं। वस्तु को कोई स्वतंत्रता नहीं है, वस्तु परतंत्र है, आप स्वतंत्र है, आप वस्तु के अधीन में नहीं है, वस्तु आपके अधीन में है, तभी आप कह सकते हैं ये मेरी वस्तु है, ये मेरा ही वस्तु, तभी आप कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। आप कहने के लिए ऐसे कई बार हम कहते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, वास्तव में मेरी पत्नी बात मानती क्या, मेरा पति बात मानता है क्या, मेरे बच्चे बात मानते हैं क्या, बिल्कुल नहीं मानते। मेरा शरीर मानता है क्या बात आपकी, मेरा मन मानता क्या। हम स्वेच्छा व्यवहार, स्वेच्छा से हम लगाते हैं मेरा ये मेरा 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 मेरा। आप जिस वस्तु को आप मेरे मेरा मेरा कहते हैं, आपके सामने ही जैसे आइसक्रीम बच्चा के हाथ में पकड़कर ये मेरा है, वो गलते जा रहा है। यह है कूट, ये मेरा शरीर, शरीर भी घटते जा रहा है, हम इसके होश में नहीं है, माने हम होश में नहीं है, माने हम जानते नहीं। तो हमारा जो शब्द प्रयोग है मेरा 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 शब्द, वो झूठ है, आप कहते मेरा घर मेरा घर मेरा घर, अचानक कोई आया एक दिन बोलता है मेरी मेरा घर है कि ये मेरा घर है, नहीं नहीं मैंने खरीद लिया, किससे, उससे, वो और किसी ने बेच दिया घर। जो मेरा मेरा, तो भगवान ही कह सकते हैं ये मेरी प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति इनके अधीन में है। तो इसलिए माया जो है कूट है, माने झूठ है, खोटा, खोटी, खोटी वाला, खोटी बुद्धि। इसीलिए तो फिर प्रसिद्धम यत्तत कूटम, तो उसी को कहते कूटम कहते हैं, तस्मिन कूटे स्थितम कूटस्थम, उस कूट में स्थित है, माने कूट को, उस कूट माने ये माया प्रकृति, उसके अंदर जो स्थित होकर माने उसके ऊपर बैठकर माया को अपने अधीन में रखकर जो चलाने वाला जो है वो है कूटस्थ। तो
कूटस्थम, उस कूटस्थम माने उस कूटस्थ को ध्यान करता है। कौन? ज्ञानी भक्त, उत्कृष्ट भक्त वाला भक्त, भक्त सबसे ऊपर बैठा हुआ है, उत्तम पड़ाव, आखिरी पड़ाव, नीचे से ऊपर जाओगे वो आखिरी पड़ाव है, यह उत्कृष्ट भक्ति। तो तस्मिन कूटे स्थितम कूटस्थम, कैसे बैठा? तद अध्यक्षतया, माने उसका अध्यक्ष बन गया, अध्यक्ष माने सही में अध्यक्ष, ये एक पत्ता भी हिलता नहीं ईश्वर के आज्ञा के बिना। प्रकृति कुछ नहीं कर सकती इनके आज्ञा के बिना, प्रकृति कभी भी स्वतंत्र नहीं है। तो वास्तव में मेरी प्रकृति ये कुछ सब कुछ मेरा है, ऐसा कहने वाला कौन है? ईश्वर ही है। बाकी हम जैसे लोग शब्द का प्रयोग हर बार रोज हजार बार हम प्रयोग करते हैं, वास्तव में मेरा कोई उस पर अधिकार नहीं है, हम उसके नियंत्रण में ला नहीं सकते हैं। वस्तु में भी परिवर्तन हो रहा है, हर वस्तु में, चीज में परिवर्तन हो रही है, लोगों में परिवर्तन होता है, तो ये बड़ा भ्रम है कि ये मेरा है। इसीलिए अटैचमेंट छोड़ना, ये मेरा 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 जो कहते हैं ना, मयूर मई मयूर मोर तोर तय माया, मैं और मैं, तू और तेरा, यही माया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। तो कूटस्थ माने वो है जिस कूट के अंदर बैठा है, कूट माने झूठ, ये झूठा जगत के अंदर जो बैठा है शाश्वत रूप में, उस कूटस्थम, उस परमात्मा का ये ध्यान करता है। और अथवा राशि ही इव, राशि माने डेर, जैसे बड़ा डेर है, डेर के जैसे स्थितम, राशि ही इव, बड़ा डेर जैसे, पहाड़ पर्वत जैसे स्थितम, कुछ हिलता कुछ नहीं है, स्थितम कूटस्थम अतएव अचलम, इसलिए वह अचल है। यस्माद अचलम तस्मात ध्रुवम, क्योंकि सर्व सर्वत्रगम, जो सर्वव्यापी वस्तु है वो तो अचलम ही है, वो कहां जाएगा बेचारा, जाना कहां होता है? जहां मैं हूं से जहां मैं नहीं हूं वहां तक जा सकता हूं, उसको बोलते हैं गति। माने अभी मैं यहां पर उधर नहीं हूं, यहां हूं, तो यहां से उठकर मैं वहां जा सकता हूं, ठीक है? अच्छा, जो सर्वत्र है, सब जगह है, सभी अवस्थाओं में है, सब समय है, वो कहां जाएगा? हिल नहीं सकता, इसलिए अचलम, अचलम। अच्छा, अचल तो है हां, तो फिर काल में कुछ नहीं, नहीं, नित्यम माने ध्रुवम, काल में भी क्षीण नहीं होता इसका, ठीक है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, अचल है, मगर काल में धीरे धीरे क्षीण होता होगा, नहीं, नित्यम माने ध्रुवम माने नित्यम इत्यर्थः। सो देश परिच्छिन्न रहितः, काल परिच्छिन्न रहितः, सर्वव्यापी, अक्षरम, अचिंत्यम, अगोचरम, कूटस्थम, ध्रुवम, देखिए अक्षरम, अनिर्देश्यम, इस तत्व को ध्यान करता है कौन? उत्तम भक्त। इसीलिए उत्तम भक्त कभी सेंटिमेंटल नहीं होता, सेंटिमेंट को ही हम भक्ति कहते हैं। यहां पे कोई सेंटिमेंट ही है ही नहीं, मन ही नहीं है, तो सेंटिमेंटल कहां हो सकता है?
इत्यर्थ। अब देखिए, ऐसा इस तत्व का ध्यान यह करता है, कौन? सबसे बड़ा, सबसे ऊपर बैठा हुआ कौन? उपासक। इसका नाम क्या है? अक्षर उपासक। उस ऊपर बैठा है वो, तो बोलते ज्ञान युक्त भक्ति, माने ज्ञानी भक्त ऊपर बैठा है। अब आप कहोगे ऐसा तत्व का अनुसंधान करना, ध्यान करना कैसा संभव? देखिए, जैसा वर्णन किया अचिंत्यम अरूपम, अनेक उपनिषदों में भी आता है अरूपम, ठीक है, और ध्रुवम, कूटस्थम, अचलम। इस तत्व आप जिसे सोचोगे, ऐसा जो तत्व सर्वव्यापी सूक्ष्म, ये मुझसे अलग नहीं हो सकता। आप इस तत्व का ध्यान करने के बाद, ऐसा तत्व यदि है वो मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है, बाहर होने का संभावना बिल्कुल नहीं है। तो मुझ में उस तत्व के बीच में माने कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। तो फिर उस तत्व का ध्यान करना माने अंतर्मुखी हो जाना। कहां तक हो जाओगे? परांजिकाणी वितृण स्वयं भूहु परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीर आत्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिहि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अंतर्मुखी बन गया, अंतर्मुखी बन गया, कहां तक बन गया? माने मन में भी नहीं है, बुद्धि में भी नहीं है, सब पार हो गया। माने स्वस्वरूप अनुसंधानम। तो ऐसा उपासना, इस तरह के जो उपासना करना माने अपने आप में स्थित होकर रहना, अपने अपना स्वरूप का ध्यान करना, मैं कौन हूं, यही है ज्ञानी भक्त का लक्षण। इस तरह क्या उपासना वो करता है, कोई आलंबन नहीं है, बस अपने आप में स्थित हो गया, अपना स्वरूप का ध्यान लगातार कर रहा है। उस जो चैतन्य है अंदर, मैं करके, उसका केंद्र जो है, मूल जो है, उस मूल में जागृत होकर रहता है। उसमें जागृत होने का काम ही साधना है। उसको भूले बिना रहता है, वो भूल भी नहीं सकता क्योंकि वह मुझसे अलग नहीं है। यह है ध्यान। अब प्रश्न उठेगा कि इस तरह का ध्यान करने के लिए, हाँ, किसके लिए संभव? योग्यता चाहिए, योग्यता। तो भगवान कहते हैं योग्यता भी मैं बता देता हूं। क्या है योग्यता? संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रथाः। मैंने क्या कहा? तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक में क्या बताया गया? सबसे उत्कृष्ट उपासना,
माने ज्ञानी भक्त, भक्ति में अग्रश्रेणी, ठीक है, उसका विचार, उसका विस्तार हो रहा है अभी। अब योग्यता चाहिए, योग्यता। तो अक्षर तत्व, अक्षर उपासना, अक्षर उपासक क्या करेगा हमने देखा है अभी तीसरा श्लोक में। अच्छा, अक्षर उपासना कैसे किया जाए? स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने आप में स्थिर होना, ठीक है। और इसके लिए योग्यता भी चाहिए, चाहिए। तो योग्यता क्या है? यहाँ पे तीन लक्षण बताया, तीन लक्षण, तीन चीजें क्या है? पहला है संयम्य इंद्रिय ग्रामम, ये पहला वाला है। दूसरा है सर्वत्र समबुद्धयः। तीसरा है सर्वभूत हिते रथाः। ये तीन, इस तीन के द्वारा माने उत्कृष्ट ज्ञानी भक्त ये तीन आचरण करता है, इसलिए वे योग्यता को प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये आसान नहीं है। और कोई कहेगा कि जिसने सकाम कर्म नहीं किया, निष्काम कर्म नहीं किया, और एक रूपी उपासना नहीं किया, और विश्वरूप का, विराट रूप का ध्यान नहीं किया, सीधा ज्ञान ज्ञान भक्त तक मैं पहुंच जाता हूं सीधा, बस इसी को ले लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। मगर हम दो अर्थ से ले सकते हैं। यदि आप समझते हैं अपने आप को, मैंने कर्म किया, उपासना भी हो गया, अब यहां तक मैं पहुंच गया हूं, अब माने चेक कर सकते हैं, ना तो इसको आप साधना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, या नहीं तो ये समझ सकते हैं जिसके अंदर में, जिसके अंदर ये सारे जो लक्षण, जिसने यहाँ पे जो बताया तीन लक्षण समा गया अच्छी रूप अच्छे तरह से, वही ज्ञानी भक्त हो सकता है। उसी को ये संभव है निर्गुण उपासना, या निर्गुण ब्रह्म उपासना, या नहीं तो क्या कह सकते हैं अक्षर उपासना, वही अधिकारी है। क्या है? संनियम्य, सबसे पहला नियम क्या है? सम्यक नियम्य समृत्य इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदायम, सारे इंद्रियों को संयम में रखना। देखिए, इंद्रियों को संयम में रखना इसका मतलब क्या है? जैसे कि इंद्रियां, आपके पास पांच कुत्ते हैं, समझो पांच कुत्ते, और एक कुत्ते को पालन करना बहुत मुश्किल है, एक कुत्ता को भी। अब पांच कुत्ते को पालन कर रहे हैं आप, समझो पांच कुत्ते हैं आपके घर में, और एक कुत्ता को लाया, सुनता नहीं बात, ये एक उधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर भागेगा, पांच कुत्ते एक भौ भौ करके भौंक रहा है, ये है वो, शोर मचा रहा है। मगर आप ऐसा समझो कि आपके पास एक ही कुत्ता है, समझो पहले उस कुत्ता, नए नए जो कुत्ता को लाया आप घर, पप्पी को, उसको शिक्षा देने लग गए आप। पप्पी घूमता है, चिल्लाता है, हाँ हर जगह टट्टी भी चले जाता है, हर जगह जो पेशाब करता है, और सब कुछ सब जगह पे जाता है, कुछ उसको नियमित करना बहुत मुश्किल है। जैसे वो बढ़ रहा है, शिक्षा भी दे रहे हैं, आप यहाँ तक उस कुत्ता को लाया कि आप, वो कुत्ता एक जगह पे बैठता है, हिलता भी नहीं जब तक आपकी आज्ञा न हो। बैठा है कुत्ता, आप आज्ञा दे तभी उठेगा। आपकी आज्ञा के बिना वह कुत्ता कुछ भी नहीं करता, लगता है कि वो मर पड़ा है। कोई आया देखा कुत्ते को, बस मर पड़ा है, मर पड़ा है क्या, ये जान नहीं है इसमें, जान जान नहीं है। क्यों? जान मेरे पास है, जब मैं चाहता हूं जान उसको देता हूं, वो अपना जान से कुछ नहीं करता। जब वो कुत्ता आपको कुछ आंखों से भी आदेश देते हैं तभी उठकर कुछ करेगा, उठेगा।
समझ आ गया बात? इसी तरह ये पांच हमारे इंद्रिय है उसको कहते हैं नियमित में रखना। जैसा हम आदेश देते हैं वे सारे पांचों के पांच इंद्रिया पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बन गए। ये संभव है? है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा मन का ही प्रवाह हो रहा है, मन ही बाहर प्रकट हो रहा है, मन ही ये इंद्रियों को चेतन कर देता है। यदि मन नहीं है, इंद्रिया मुर्दे है, जैसे स्वप्न नींद में। इंद्रियों में स्वयं कोई बल नहीं है, ये मन का ही बल है। जब मन पूर्ण रूप से निवृत्त हो गया तो इंद्रिया कुछ नहीं कर सकते। तो इंद्रियां, सारे इंद्रियां, ऐसे हमने शिक्षा दिया इंद्रियों को, मन के आदेश के बिना ये इंद्रिया कभी बाहर दौड़ता नहीं, देखता नहीं, सूझता नहीं, स्पर्श नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। माने तो मर पड़े क्या? नहीं, अपना काम तो कर रहा है। देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इंद्रिया मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुख द्याह। और दूसरी जगह पे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंद्रियां बाहर जाते हैं, मन इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है, प्रत्येक ये वहां पे बैठकर एक एक इंद्रियों में राग द्वेषौ स्थितौ, प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष बैठ गए, बैठकर सवारी कर रहे हैं। जब आंख जाता है कुछ दृश्य को देखने का, देखने के लिए, जब आंख पर बैठकर सवारी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? राग और द्वेष। तो राग द्वेष हमको दुख पहुंचता है, जैसे कि सांप में जो है ना वो टांग निकाल देते हैं, फैंग्स सांप के अंदर, तो फिर बाद में विषय नहीं होता। ये फैंग्स है ना, फैंग्स, तो व्यवहार कैसा चला हुआ, व्यवहार कैसे व्यवहार चलाया जाए? ये राग और द्वेष तयो हो वशम न आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियस्य अर्थे ऑब्जेक्ट में भी, इंद्रियों में भी, सब में एक्चुअली, वास्तव में इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोस्तु वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। वही तुम्हारे लुठेरे हैं। तो राग द्वेष को हटाकर आप अपने आंखों को दृश्य देखो, सुनो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो संयम या माने क्या है? दो अर्थ है, व्यवहार में राग द्वेष नहीं है, जब निवृत्त होना चाहते हैं ध्यान के लिए इंद्रियां तुरंत अंदर बैठ जाते हैं। जब भ्रूमध्य के ऊपर ध्यान करना चाहता है, जैसा संकल्प किया, आंख बंद किया, मन टिक गया उसी क्षण। यह है इंद्रिय ग्रामम संयम्य, माने आज्ञाकारी बना के रखना, राग द्वेष को हटा देना, जब नहीं चाहते हैं तब निवृत्त होना। व्यवहार में राग द्वेष के बिना संचार करना दुनिया में, इंद्रियों का संचार। अब क्या है, हर कुत्ता बाहर जाता है कुछ ना कुछ खा के मुंह पूरा, घर पूरा खराब करता है। मांस का टुकड़ा पड़ा है रोड पे, वहां नहीं खाता है, उठा के अंदर लेके आता है।
आप उसे कहां से लेके आया? कुत्ता जवाब नहीं देता है, उसी मांस को पकड़कर दूसरे कमरे में चला जाता है। हमारे इंद्रिय क्या कर, बाहर गया सब कुछ, जो जो कचरा है बाहर उठाकर लेके आके अंदर डाल देता है, कूड़ा। तो इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदायम, पहला सर्वत्र संयम्य इंद्रिय ग्रामम, दूसरा क्या है, सर्वत्र सर्वस्मिन काले समबुद्धयः, सभी अवस्थाओं में सब समय समबुद्धयः, बुद्धि में समानता तुल्यता, तुल्य निंदा स्थितिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित, सर्वत्र समबुद्धयः, बुद्धि में समतुल्य। यह अभ्यास से होता है। जिस देखिए, जिस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, संगठन के प्रति, या अनुभव के प्रति, या घटना के प्रति, जहां पे आपका अपना बिल्कुल नहीं है, आपके अपना इन्वर्टेड कॉमास, किसी भी तरह का आपका अपना जहां पर बिल्कुल नहीं है, वहां आप समबुद्धि है दिखाते हैं, है कि नहीं? जहां अपना कोई है ही नहीं, वहां समबुद्धि है। कोई विदेश से आया, जिसका पहला बार भारत पर पहुंचा, उसको क्या बीजेपी आया तो कांग्रेस आया, क्या क्या समबुद्धि? वो अपना बिल्कुल नहीं है इस देश के साथ, वो घूमने आया है, कौन सा सरकार आया, क्या आया, क्या नहीं, उसका कोई में बुद्धि में विकल्प नहीं है, बुद्धि समतुल्य, क्योंकि वह उसका अपना कुछ नहीं है। अपना होना, अपना माने क्या है, ममत्व बुद्धि। जहां पर ममत्व बुद्धि बिल्कुल नहीं है, वहीं बुद्धि समतुल्य है। जहां इतना भी ममत्व आ गया, वहां बुद्धि झुक गए, राग द्वेष में फंस गए। सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वस्मिन् काले समबुद्धयः, समातुल्या बुद्धि एषाम्, इष्ट अनिष्ट प्राप्तौ, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्राप्ति मिले या न मिले, बुद्धि में जो संतुलन है उसको कभी बिगाड़ के मत रखना। संतुलन ये बड़ा प्रयास से मिलता है, ये अंदर संतुलन बिगाड़े बिगाड़े बिना व्यवहार करो। ये एक पर्दा है मेरी बुद्धि और नाटक के बीच में। दुनिया में नाटक करना है करो, मगर अंदर जो है समतुल्य। ते ये एवं विदाहा, वे लोग ऐसी बुद्धि रखते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, और सर्वभूत हितेरताः, सभी प्राणियों की भलाई के लिए सोचते हैं, भलाई के लिए कर्म करते हैं, और जब सभी प्राणी आनंद में रहते हैं तो वे लोग आनंद में रहते हैं, माने सबका आनंद उनका आनंद हो गया, माने सब अच्छा है, हम अच्छा हम अच्छी स्थिति में रहे, ऐसी कल्पना करते हैं। कैसे संभव ये? एवरीडे प्रार्थना सर्वभूतों के लिए, जो कुछ भी हो सकता है सभी लोगों की भलाई के लिए काम करना, प्रयास करना। आप कहीं दौड़ना ढूंढना नहीं, आप जहां हैं आप ही के पास आजू बाजू में लोग आ जाते हैं, तो सेवा कीजिए, तरह तरह की सेवा कर सकते हैं, सबकी भलाई, सभी आनंद में रहे, ऐसा संकल्प लेकर जिए, और संकल्प के अनुसार संकल्प सिद्धि के लिए भी प्रयास करें।
उसी में रमते हैं। समष्टि का आनंद ही स्वयं का आनंद हो गया। सर्वभूत हिते रताः ते प्राप्नुवन्ति। तो ये योग्यता वाले हैं, वे योग जिनके पास ये योग्यता है, तीन लक्षण हैं, तीन क्वालिफिकेशंस हैं, योग्यताएं हैं, तो इस योग्यता को लेकर के वो निर्गुण उपासना कर सकते हैं। निर्गुण उपासना करने के बाद, अपने आप को जान लेने के बाद, जानने के बाद मोक्ष मिलता है। प्रकृति वही है, विधान है। देखिए, आप एक बैंक में चला गया, बैंक में कुछ पैसा निकालना चाहता है, तो आप चेक लेके गया, तो वहाँ पे किसी के पास पहले चेक को जमा करो, वहाँ पे कुछ एंट्री होती है, वो फिर दूसरे डिप्स क्लर्क ये वहाँ पे जो ऑफिसर या क्लर्क होता है उसको दे देता है, वो भी और कुछ करता है, देखता है, फिर तीसरे के पास चला जाता है, फिर उसके पास कुछ टोकन नंबर देता है, मैं पहले दिया होगा आपको टिकन नंबर, बंद लिखता है, इसके बाद फिर कैश काउंटर में जाएगा, फिर तब को आपको कैश मिलता है कि नहीं। ये प्रोसीजर जो है, आप मैं डायरेक्टर कैशियर को जानता हूँ तो पैसा ले सकता हूँ क्या? अपना जो चेक है हर स्टेट को पार करना है ना, जिन जिन के द्वारा वो गुजरना है, वो गुजरना ही पड़ेगा। किसको? चेक को। वो पद्धति जो है, विधान जो है, विधान को आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, मैं कैशियर को जान सकता हूं, जानता हूं डायरेक्ट, मैं ईश्वर को जानता हूं, जान सकते हैं, सब लोग जानते हैं ईश्वर को, ईश्वर भी जानते हैं सबको, जानते हैं माने ईश्वर है, ऐसा ऐसी बुद्धि है, सबको लगता है कि गुरु मेरा नजदीक है। गुरु कुछ नहीं करेगा, गुरु बोलता है बस लाइन में आओ। इसी तरह सकाम कर्म निष्काम कर्म, एक रूपी उपासना अनेक रूप उपासना, फिर बाद में ज्ञानी भक्त बनो, फिर निर्गुण उपासना करो, बाद में मोक्ष की प्राप्ति। देखिए, ते प्राप्नुवन्ति मामेव न तु तेषां वक्तव्यं किंचिद् माम ते प्राप्नुवन्ति इति। भगवान ने स्वयं कह दिया, माम ते प्राप्नुवन्ति, वे लोग मुझे प्राप्त करते हैं, वे लोग मेरे पास आ जाते हैं, मेरे तक पहुंच जाते हैं, मुझ में समा जाता है, मेरे में मुझ में लीन हो जाते हैं, वे मेरे पास पहुंचते हैं। इस कहने में आचार्य शंकरा कहते हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये भगवान का वचन है, बोलते हैं कि ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, ते प्राप्नुवन्ति माम। आप क्या कहोगे इसके बारे में? क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। सो न तो तेषां वक्तव्यम, देखे कहना ही क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी क्या है, कौन है? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी तो आत्मा एव, ज्ञानी कौन हो सकता है? मेरा ही आत्मा है। ज्ञानी को मैं अपने, ज्ञानी को मुझसे कभी अलग नहीं कर सकता हूं, मैं और ज्ञानी दोनों एक ही है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो में, गुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। कौन सा गुरु? जो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे जो गुरु है वो जिनमें, उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, भेद नहीं है। इति ही उक्तम, नहीं भगवत स्वरूपाणाम सताम युक्ततमत्वम अयुक्ततमत्वम वा वाच्यम। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या था? युक्ततम कौन है, योग वित्तमा कौन है? और भगवान कृष्ण समझा दिया, मय्यावेश्य मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। वे लोग युक्ततम हैं। अब प्रश्न उठाया कि ये जैसे आपका जो आप विश्वरूप को ध्यान करने वाले सगुण उपासक जो भी है, आपको ही आप युक्ततम बना दिया, तो फिर निर्गुण उपासक अक्षरोपासक उपासना करने वाले वो जो होते हैं उनके बारे में आपके क्या कहना है? शंकराचार्य कह रहे हैं, उनको ये युक्ततम है, युक्ततर है, ये ऐसा विधान करके बोलने का कोई कुछ वहां पे बनता ही नहीं बात।
इसीलिए युक्ततम कौन है? तो सगुणोपासन के बारे में कह सकते युक्ततम है जो भगवत स्वरूपाणाम सताम, जो महात्मा लोग हैं अपने आप को जान लिया, युक्ततमत्वम अयुक्ततमत्वम वा वाच्यम न नहीं, माने ये संभव बिल्कुल नहीं होता। इनके बारे में क्या होता? वो परमात्मा ही है। तो इसलिए जो आप विकल्प माने विकल्प ने आप ये तुलना करके आप देखना चाहते हैं कौन युक्ततम है, युक्ततर है, युक्त है, ये सब सगुणोपासन में हो सकता है। निर्गुणोपासन में युक्ततम क्या है, अयुक्ततम क्या है, पहुंच गए वहां। अभेद स्थिति में जहां पर बिल्कुल द्वैत ही नहीं है, किसके साथ तुलना करके कहना संभव? तो ये प्रश्न गलत है। तो अयुक्ततमत्वम युक्ततमत्वम ऐसे बात नहीं, ऐसी बात नहीं बनती। समझ आ गया कि नहीं बात है? द्वैत में कौन श्रेष्ठ है, कौन ना श्रेष्ठ है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, हो सकता है वो तो पहुंच गए अपने आप स्वरूप बैठ गया। जो अपने आप में स्थिर हो गया, अनुभव किया परमात्मा के, वो भगवान कहते ज्ञानी तो आत्मा एवं मतम, ये कोई बिल्कुल फर्क ही नहीं है, परमात्मा के साथ विलीन हो गया, एक हो गया। ऐसे मां भगवत स्वरूपाणाम सताम सतावन संत जन, उनके विषय में ऐसा कहना नहीं संभव। तो युक्ततम मय्यावेशमन वही युक्ततम है, तो निर्गुणोपासक ऐसे बनता ही नहीं, बात मत करो। यह है उत्कृष्ट भक्ति, और भक्त यह है। किंतु अब देखिए इसमें क्या है, भगवान कृष्ण बताते हैं मैं मानता हूं ये तो निर्गुण उपासक करने वाले माने अक्षर उपासक जो भी है, इस तरह का जो अक्षर उपासना करना बहुत कठिन है। भगवान खुद ही स्वीकार करते हैं कि बहुत कठिन है। क्यों कठिन है, क्यों नहीं कर सकते हैं? पहली बात है बाकी सभी साधनाओं को छोड़कर सीधा हम निर्गुण उपासन करेंगे, ऐसे बहुत तो प्रचार हो रहा है दुनिया में, आप देखते नहीं क्या आप अखबारों में? डायरेक्ट मेडिटेशन, ये सब भ्रम है। गुरु भी भ्रम में पड़ गया, सबको बच्चों को भी शिष्यों को मोह में डाल रहा है। शास्त्र वेद ये कभी नहीं कहता कि तुम सीधा निर्गुण उपासना करो। भगवान कृष्ण हिमसेल्फ सेज इट इज डिफिकल्ट, भगवान खुद ही कह रहे कि ये संभव नहीं है। किसको संभव नहीं है? भैया सकाम कर्म निष्काम कर्म एक रूपी भगवत का उपासना करो, फिर बाद में अनेक रूप पर उपासना करो, इसके बाद में तो ज्ञानी भक्त बनो, निर्गुण उपासना फिर होगा, बाद में मुक्ति मिलेगी। ये आसान नहीं है, ये सारे स्टेट्स को स्थितियों को छोड़कर, स्तरों को छोड़कर, पड़ावों को छोड़कर सीधा मैं जाऊंगा, ये कभी संभव नहीं है। ऐसे दुनिया में लोगों के चक्कर में आप भी मत पड़िए। शॉर्टकट मेथड्स टू रियलाइजेशन कभी संभव नहीं है। तो भगवान के वचन के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। अनि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्म साधन करने के बाद ही एक 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 धीरे 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 आगे बढ़कर एक कभी होता है जैसे बैठ गया मन शांत हो गया। रमण महर्षि, तपोवन महाराज, अपना गुरुदेव, ये मामूली बात नहीं है। तो भगवान खुद मानते हैं ये कठिन है, मगर किसके लिए कठिन है? भगवान समझा रहे अर्जुन को तू तो इसमें नहीं आएगा, अर्जुन को कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं। आप पूछोगे कि आप हमारे बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि हम इसके लिए लायक नहीं हैं? एक ही बात है,
यदि आप इसके लिए लायक हैं, सत्संग सुनने का टाइम वेस्ट आप बिल्कुल नहीं करते। समझ में आ गया बात है? ये श्रवण करना भी निर्गुण उपासक के लिए बड़ा बाधक है। वो तो अपने में सिर हो गया, कहा सुनेगा कहां? हमारा मन बहिर्मुख है, इसलिए कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वहां तक नहीं पहुंचा, इसलिए यह बेहतरीन है, यह अच्छा है। सिनेमा हॉल में बैठने से अच्छा यह अच्छा है। अब देखिए, किंतु क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तो आखिरी पड़ाव माने ये यहां तक पहुंच गया अक्षर उपासक, उनको भी, अक्षर उपासकों को भी निर्गुण ब्रह्म उपासना करना इतना आसान नहीं है। करते तो है मगर आसान नहीं है। किसके लिए आसान नहीं है? उसमें बहुत बड़ा श्रेणियां होती है, एक एक फिर पड़ाव में, एक एक कक्षा में बहुत फिर अन्य प्रकार के श्रेणियां होती है। जीव के आधार पर है, व्यक्ति के आधार पर, साधक के आधार पर है। अब देखिए, क्लेश अधिकतर भगवान कहते हैं यद्यपि मत्कर्मादि प्राणाम क्लेश अधिक एव। देखिए हाँ, सब छोड़कर निर्गुण उपासना उसके बारे में छोड़ो, केवल जो भक्त लोग हैं, मेरे लिए कर्म करने वाले जो भी है जीवन में, सभी लोग बने भक्त लोग, सारा कर्म, सारे कर्म मेरे लिए, जो मदर्पण मुझको अर्पण करके मेरे लिए कर्म करने वालों को भी क्लेश होता है, अधिक क्लेश हो सकता है, होता है। फिर निर्गुण उपासकों को अधिकतर क्लेश होता है। यद्यपि माने ऑल दो, ऐसी बात नहीं है कि जो मत्कर्मकृत मत्कर्म आदि प्राणाम मेरे लिए जो भी कर्म करते हैं ऐसे लोगों को कष्ट नहीं होता, होता क्लेश उनको भी होता है, मगर उनसे भी ज्यादा क्लेश अक्षर उपासकों को होता है। दे आर मोर डिफिकल्टीज, मोर चैलेंजेस दे फेस। एज सच देर आर डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स टू बी फेस्ड बाई दोज हु आर परफॉर्मिंग ऑल द एक्शंस फॉर द सेक ऑफ द लॉर्ड। तो मैं भगवान के लिए कर्म करूंगा, ट्राई करो, कितने मुश्किलें आ जाते हैं, कितने कितने क्या क्या बाधाएं आ जा पड़ जाते हैं बीच में। आसान नहीं है, लगातार सत्संग सुनना भी मुश्किल है लोगों को। कोई ना कोई आ गया, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कोई ना कुछ कर्म आ गया। तो इसलिए सभी कर्म भगवान के लिए मैं कर रहा हूं ऐसी भावना रखकर ही करना पड़ेगा। सारा जीवन सत्संग में व्यतीत करूंगा। कई लोग ये कल्पना करते हैं जीवन में कि रिटायरमेंट होने के बाद मैं परमात्मा का ध्यान ही ध्यान करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। देखिए भैया, कल्पना के आधार पर हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में रहना सीखो और वर्तमान में रहते हुए धर्म का पालन, अनुष्ठान, उपासना, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, हम वहीं हैं तो जहां हैं आप वहीं से शुरू कीजिए। देखते देखते एक दिन मूर्छा भी खड़ी हो जाएगी सामने।
कई बार आपको पता भी नहीं लगता कि मूर्छुक खड़ा है देवता, मरने के पता थे आप कब मुझे उठा के लेके आया, कल रात को। अच्छा बीमारी? बीमारी नहीं थी मुझे, मुझे को बीमारी कुछ नहीं थी, ऐसे उठा लिया बिना नोटिस। कभी कभी लगता है कि बीमारियां नोटिस है, वो नोटिस भी नहीं देते भगवान। तो इसीलिए अधिक एवः क्लेशः अधिकतरस्तु अक्षरात्मानाम्, अक्षरात्मनाम जो अक्षर उपासना करने वालों को यह क्लेश जो है वो अधिकतर है, ज्यादा क्लेश होता है। परमार्थ दर्शिनाम क्योंकि देह अभिमान परित्याग निमित्तः, क्योंकि इसीलिए कि देह के साथ अभिमान होने के कारण देह अभिमान को छोड़े बिना अक्षर उपासना कभी संभव नहीं है। देह के छोड़े बिना नहीं, देह अभिमान को छोड़ना, जैसा कि देह अभिमान को छोड़े बिना किसी को भी नींद भी नहीं लगती। सुषुप्ति अवस्था में न रूप है, न रंग है, न गुण है, न क्रिया है, न विशेष है, संबंध है, कुछ भी नहीं है, नाम है न रूप, कुछ भी नहीं। और जब तक देह के साथ अपना अभिमान रखते हैं तब तक आपको नींद भी नहीं लगती है, फिर देह अभिमान को रखकर अक्षर उपासना करना, क्योंकि अक्षर कौन है, न रूप है, न नाम है, अव्यक्तम, अचिंत्यम, अगोचरम, अनिर्देश्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, सर्वत्रगम, उन पर ध्यान करना, मैंने ध्यान में बैठते ही देह का भान आ जाता है, क्योंकि हम देह से ही शुरू करते हैं ध्यान, हम कहते हैं वो ध्यान, ये हमारा परिभाषा है, हमारी परिभाषा ये ध्यान करके हम लगा देते हैं टाइटल ध्यान कर रहे हैं करके, वो ध्यान है या नहीं परमात्मा जाने। सो देहवत भी, क्योंकि देह परित्याग निमित्त, क्योंकि इस देह का अभिमान जो है हाँ परित्याग करना पड़ता है, कर नहीं पाते, देह को छोड़े बिना अक्षर उपासना करना असंभव। और देह का भान का छोड़ना, उससे ऊपर उठना इतना आसान नहीं है, वहां तक पहुंचना ही बड़ी बात है। बिल्कुल देह नहीं रहता, देखने वालों को रहता है, मगर जो अंदर बैठा है पर वो साधक, कुछ कोई भान नहीं है देह का। भगवान रमण महर्षि लोग गए, बड़ी मुश्किल से उनके मुंह में दूध डालने की प्रयास की, दूध डालने का प्रयास, खिलाने का प्रयास, कुछ भी नहीं, देह का बान ही नहीं है। शुद्ध चैतन्य को अपने शरीर से पूरा अलग कर दिया, सो देह अभिमान परित्याग निमित्त। तो अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त के आसक्तम चेतः येषाम ते, माने जो लोग अव्यक्त उपासना करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टकल क्या है, देह अभिमान, ये आखिर में छूटता है। सर अच्छा कर्म किया, भगवान का नाम लिया, भोग किया, भजन किया, कीर्तन किया, सेवा किया, मन शांत हो गया, सब कुछ ठीक है, शरीर को छोड़ो, अभिमान का त्याग कर दो, शरीर को नहीं, शरीर का अभिमान, शरीर से अभिमान,
तो देहाभिमान जो है उसको त्याग दो। त्यागना माने अपने आप को शरीर से अलग कर दो। उपनिषद में आता है मुंजा ग्रास, उसको चीर कर अंदर जो है बाहर आ गया। ये संभव नहीं है, इसीलिए उनके लिए एक ज्ञान योग का साधना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए निर्गुण उपासना बड़ा कठिन है, वहां तक पहुंचना है। और देखिए कठिन है, अच्छा तो उसको छोड़ दो। अब लोग में क्या कहते हैं, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। ये बड़ा प्रचलित है कि अच्छा आप ज्ञान योगी के लिए यदि अधिकारी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे योग पड़े हैं। क्या है, आप कर्म भी कर सकते हैं, कुंडलनी योग भी है, नाद योग भी है, और ये योग भी है, अठ योग भी है, पतंजलि योग भी है, वो योग भी है, ये योग भी है, बस अनेक प्रकार के योग है, राजयोग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, किसी ना कोई योग पकड़कर आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये बकवास है, ये वेद विरुद्ध है, क्योंकि कोई भी रास्ता आपको सीधा वहां तक पहुंचाता नहीं। जैसे कि आपके सामने अनेक प्रकार के मार्ग समतल में पड़ा है, आप चुन सकते हैं। रोटी सब्जी थोड़ी है ये सुनने के लिए। और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, अंतिम पड़ाव ज्ञान ही है। तो ज्ञान योग से माने अक्षर उपासना से अपने स्वरूप का अनुसंधान से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, जाना ही जाना पड़ेगा आपको। ये अब नहीं है, 20 जन्म के बाद, 30 जन्म के बाद, 1000 जन्म के बाद रास्ता एक ही है। क्या है, ज्ञाने नैव तो कैवल्यम। अब देखिए महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, एक कमरे में अंधकार है, अंधकार है, पूरा अंधकार। सो उसके अंदर आप प्रकाश डालना चाहते हैं, तो प्रकाश डालने के लिए क्या क्या रास्ते पड़े हैं बताओ। उसको प्रकाशमय करने के लिए कमरे को क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या विकल्प हमारे सामने पड़े हैं। कोई कहता है भजन करो प्रकाश आ जाएगा, बैठ के भजन करो। कोई कहता है हठ योग करो, कोई कहता है आसन करो, प्राणायाम करो, कोई कहता है चिल्लाओ रो। प्रकाश नहीं होता, तो प्रकाश यदि लाना है आपको एक ही रास्ता है, क्या है, दिया जलाओ, तब अंधकार दूर होगा। अंधकार में उस कमरा के अंधकार को हटाने के लिए कोई भी प्रकाश, कोई भी विकल्प नहीं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है किसके अलावा, दिया जलाना, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं कर सकते हैं, मगर ये सब आपको मुक्ति दे देते नहीं, मुक्ति दे देते नहीं नहीं नहीं। हठ योग करोगे शरीर सौष्ठवम बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा, ताकि आप पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, गुरु के पास जाके बैठ सकते हैं, ये कुछ कुछ करने के लिए शरीर चाहिए। तो चलो ठीक है हठ योग करो, हठ योग तो कुंडल योग करो, ये करो वो करो, ये सब मार्ग नहीं है। ये सब आपको अधिकारी बनाने में शायद मदद देंगे यदि आप ठीक से करते हैं तो। अब कोई अनुभव को लेकर के आप ये नहीं कह सकते अभी मुझको अनुभव मिल गया, मैं मुझे बहुत सारे अनुभव मिले, मैं अभी जीवन मुक्त हो गया हूं। अरे भैया अनुभव हुआ, अनुभव करता
जिसको अनुभव हुआ वो अलग है अनुभवों से, इसीलिए वो भी मुक्ति या मोक्ष नहीं है। मुझे ये दिख गया, वो दिख गया, वो हो गया, ये हो गया, भैया किसने अनुभव किया? मैंने अनुभव किया। मैंने आप इससे अनुभव से अलग है, अलग है, तो माने आपकी मुक्ति या ज्ञान नहीं हुआ। बस अब जो कुछ भी पढ़ो, अब जो कुछ भी देखो, राम जी का दर्शन हुआ, कृष्ण जी का दर्शन हुआ, वेणुगान सुन लिया, हो गया, तृप्ति नहीं होती। तो क्या है? इसीलिए अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश ही, इसलिए आत्मबोध में ये श्लोक भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तयेत, विद्या विद्याम निहन्त्येव तेजस्तिमिर संगवत। देखिए, क्योंकि कर्म माने जो सब कुछ कर्म है, मानसिक कर्म, योग, ध्यान, तप, जो उपास, सब कुछ कर्म है। तो अविरोधितया कर्म, तो देखिए ज्ञान यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अविद्या, अविद्या को दूर करना चाहते हैं, तो अविद्या का जो प्रतियोगी कौन है? ये कभी कर्म नहीं हो सकता। तो अविरोधितया, अविरोधितया कर्म, अविद्या का विरोधी कर्म नहीं होने के कारण आप जितना भी कर्म करो अविद्या दूर नहीं होती। जैसा कि विद्या अविद्याम निहन्त्येव, विद्या ही अविद्या को हटा देता है। जैसे जैसे तेजस तिमिर संगवत, जैसा प्रकाश अंधकार को भगा देता है, क्योंकि अंधकार का प्रतियोगी कौन है? प्रकाश है, विरोधी है। तो विरोधी के लाओ, तो अंधकार में ज्ञान को लाओ, जिया जलाओ, तब ये अंधकार दूर हो जाता है। इसके बिना आप जो कुछ भी करो, आप बस एक नीचे पड़ाव से ऊपर उठने के लिए काम आएगा। मोक्ष अंतिम पड़ाव जो है, स्वरूप अनुसंधान करना, अपने आप को जानना, ज्ञानेनैव तु कैवल्यम्। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः इति वेदांत डिंडिमः। कोई रास्ता नहीं। तो फिर ये सब बेकार है क्या? पूजा पाठ नहीं जरूरी है आपके लिए? तो हम सब के लिए ये पूजा अनुष्ठान पाठ जरूरी है। क्योंकि क्योंकि सकाम के बिना निष्काम नहीं हो सकता, निष्काम कर्म के बिना एक रूपी ध्यान नहीं हो सकता, एक रूप के बिना अनेक रूप ध्यान नहीं हो सकता, विराट रूप का, विराट रूप का ध्यान के बिना ज्ञान अवस्था पर नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए ये सब सारे पड़ाव है, स्टेट्स है, एक 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 पार करते जाना है। इसीलिए सब कुछ करो, मगर ये मोह में पड़कर मैंने भजन कर लिया, पूरा कर लिया, सुंदरकांड पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, गुरुदेव की चरण पूजा हो गई, रुद्र पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब कुछ, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होगा, अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता कभी। क्योंकि सद्बुद्धि में सही ढंग से ईश्वरार्पण बुद्धि से करे तो चित्त शुद्धि होगी, तो चित्त शुद्धि के लिए काम कर सकते हैं, ये सब काम में आएगा। मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा, चित्त शुद्धि के लिए जरूरी है। तो यह जानकर करो कि भाई मेरे शुद्ध चित्तस्य शुद्ध ये कर्म न तो वस्तुपलब्ध ये वस्तु सिद्धिर वस्तु सिद्धिर विचारेण। देखो विवेक छुड़ामने, चित्तस्य शुद्ध ये कर्म, कर्म किस लिए? फिर चित्त शुद्धि के लिए। न तो वस्तु उपलब्ध ये, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं है।
वस्तुस्लब्ध सिद्धि ही विचारेण, विचार से ही वस्तु शुद्धि की उपलब्धि होती है। ठीक है, यह है। तो पहला उत्कृष्ट ज्ञान भक्ता, ज्ञानी भक्ता, ये हमने आज देखा है। फिर कोई कहता है ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं तो ये नहीं कर सकता हूं। भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, और नीचे उतरता हूं, थोड़ा नीचे उतरता हूं। क्या है, उतार के दिखाओ। तो हम भगवान कृष्ण कहते हैं हम कल उतरेंगे, आज बिजी हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।